नेवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। वो कहता मैंने कभी वैसे कोई भूत के बारे सुना नहीं है जो रात में देख नहीं पाए। रिमार्क विजय सिंह, विजय सिंह ने ये चीज़ नोटिस की। एन स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। उसने कहा जो स्टोन तुम हाथ में लियो पत्थर वो क्या है उसके अंदर नमक है। क्रम्बल इट एंड सी अगेन द गोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। उसने उसको दबाओ और उसके अंदर से स्टोन निकलेगा, मतलब सॉल्ट निकलेगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो वेन, वेन मतलब पूरी मेहनत उसकी बेकार गई। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। द गोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज गोस्टली पावर। उसने वो स्टोन किसको दिया, विजय सिंह को वापस कर दिया। अब उस गोस्ट को अपनी जो शैतानी शक्ति थी उसके ऊपर उसको डाउट होने लगा। आई कैन सी डेट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी अपोनेंट। वॉट इज द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग होम आई कैन फ्लर इन अ मिनट। उसने कहा कि मुझे पता है कि अब तुम सब बेकार हो, फालतू की एक्टिंग कर रहे हैं, तुम अंदर दम नहीं है और मैं तुमसे लड़ने क्या फ़ायदा है जो एक जिसको मैं एक मिनट के अंदर ज़मीन में पटकार दूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और उसने मौका देख के जैसे अंधेरा फायदा उठा के उसने उसको स्टोन को साइड में फेंक दिया और जो नमक था हाथ में वो निकाल दिया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड्स एंड कमांडेड द गोस्ट टू टेस्ट द पावर स्टोन। उसने कहा कि लो इसको चेक करो कि इसमें स्टोन है कि नहीं है, तो समझ जाएगा कि हाँ ये सही में सॉल्ट था। मिसमराइज विद द पहलवान्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ द गोस्ट डेड एज ही वॉज टोल्ड अलार्म शॉट थ्रो हिम। उसने मतलब सब उससे अट्रैक्ट होके, मतलब वीर सिंह अट्रैक्ट होके उसकी स्ट्रेंथ को देख के गोस्ट भी उससे हाँ मान गया कि हाँ ये इंसान बहुत ताकतवर है। दिस मैन कुड ईजली वैनक्विश हिम इन द रेसलिंग बाउट इन द डार्क। वो कहता रात में ये मुझे आराम से रेसलिंग मैच में मुझे हरा देगा, बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक इन अदर वेज। वो कहता लेकिन कोई दूसरी ट्रिक होगी इससे मैं इसको हराऊंगा। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर दिस गोस्ट सेड फ्रॉम विजय सिंह इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। उसे मौका देख के उसने क्या कहा कि मतलब उसको डिसअप्रूव संबंध सर्वाइल मैनर टू डिसअप्रूव संबंध, ठीक है मतलब किसी का अपमान करना, के कहा कि हाँ मुझे बहुत खुशी की बात होगी कि मैंने आपसे आप जैसे आदमी से मिला हूँ। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड बट वेयर विल यू गो टुनाइट, रेस्ट इन माय हाउस यू कैन लीव टुमारो। वो कहता है लेकिन मैं अपने आप में हार स्वीकार करता हूँ लेकिन आप अब कहाँ जाओगे, काफ़ी रात हो गई है, आप मेरे घर पर रुकिए और कल आप यहाँ से चले जाना। थ्रोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माय प्रिजनर। वो कहता ठीक है लेकिन मैं आपने जो हॉस्पिटैलिटी मतलब सम्मान करते आदर करते उसको कहते, वैसे ने कहा मैं आपकी हॉस्पिटैलिटी को मना नहीं कर पाऊंगा लेकिन कल आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे कैदी बनकर। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माय विक्ट्री माय पीपल। मेरी ट्रॉफी मतलब जो मैं जो काम करके आऊँगा सबको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे जंगल जो फॉरेस्ट में यहाँ पे जो भूत था यहाँ कोई नहीं है और मैं सबको हरा के आया हूँ। द गोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वाउ टू किल विजय सिंह इन द नाइट। और वो सोच गया कि हम विजय सिंह को रात में मारेंगे। गॉड मतलब कसम खाली हुई चीज़ की, हाँ पर्सनल कमेंटमेंट जो किसी का होता पर्सनल दुश्मनी, उसने वो मन में ले ली और कहा कि हम रात में उसको विजय सिंह को मैं मार दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। उसने उसको घर में सोने दिया। द गोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड स्लीप ऑन कम्प्लीट विद पिलोस एंड बोस्टर। गोश्त ने उसको बहुत सारे फल वगैरह दिए और दूध वगैरह दिए पीने के लिए और उसको बाद में बढ़िया सम्मान करते, राजा महाराजा उस तरह रहते हैं उस तरह से सम्मान दिया और बढ़िया तकिया और बड़े बड़े सिंहासन वगैरह पे उसको सोने दिया। नाउ दैट्स ऑल।